गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी पहले अध्ययन किया है व्यापारिक बैंक के बारे में, उसके साख निर्माण की प्रक्रिया क्या है, उच्च शक्ति मुद्रा और मुद्रा गुणक के बारे में, आज हम अध्ययन करेंगे केंद्रीय बैंक के बारे में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि केंद्रीय बैंक क्या है। जैसा कि विल रोजर्स के अनुसार अतीत से अब तक तीन महान आविष्कार हुए हैं, आग, पहिया और केंद्रीय बैंक, और प्रत्येक देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग व्यवस्था में केंद्रीय बैंक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। केंद्रीय बैंक प्रत्येक देश का सबसे महत्वपूर्ण बैंक होता है और इस बैंक का कार्य देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना तथा अल्प विकसित देशों के संदर्भ में आर्थिक विकास के कार्य को संभव बनाना होता है। ये बैंक देश में सभी प्रकार के नोट छापता है, दूसरे बैंकों पर नियंत्रण रखता है तथा सरकार के बैंक का कार्य भी करता है, और ये बैंक देश में साख नियंत्रण का कार्य भी करता है। तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड और अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम केंद्रीय बैंक है। अब हम देखते हैं केंद्रीय बैंक के क्या कार्य होते हैं। नोट जारी करना, जैसा कि प्रेजेंट टाइम में संसार के प्रत्येक देश में नोट छापने का अधिकार केवल किसके पास है, केंद्रीय बैंक के पास ही होता है, और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट सारे देश में असीमित विधिग्रह के रूप में घोषित होते हैं। सरकार का बैंक, केंद्रीय बैंक सभी देशों में सरकार के बैंकर, एजेंट एवं वित्तीय परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं। सरकारी बैंकर के रूप में यह सरकारी विभागों के खाते रखता है तथा सरकारी कोषों की व्यवस्था करता है। यह सरकार के लिए उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार से व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए कार्य करते हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर यह सरकार को ऋण देता है, वह बिना ब्याज के तथा दीर्घकालीन न होकर किस प्रकार के ऋण देता है, अल्पकालीन ऋण देता है। तो केंद्रीय बैंक सरकारी कोष का भी स्थानांतरण करता है। ये सरकार के लिए प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों आदि का भी क्रय विक्रय करता है, और देश का सर्वोच्च बैंक होने के नाते ये सरकार के आर्थिक, वित्तीय और मौद्रिक विषयों पर समय समय पर सलाह देता है। बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए बैंकर का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक का अन्य बैंकों के साथ लगभग वही संबंध होता है जो एक साधारण बैंक का अपने ग्राहकों के साथ होता है। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के नकद कोष का कुछ भाग अपने पास जमा के रूप में रखता है ताकि ग्राहकों की मांग होने पर वह उनके धन की अदायगी कर सके। तो व्यापारिक बैंक इस प्रकार के नकद कोष को दो प्रकार से रखते हैं, पहला तो अपने पास नकद कोष और दूसरे केंद्रीय बैंक के पास जमा के रूप में रखते हैं। तो ये बैंक केंद्रीय बैंक के पास रखे गए कोष को भी नकद कोष मानते हैं। तो प्रारंभ में तो व्यापारिक बैंकों द्वारा केंद्रीय बैंक के पास नकद जमा रखना उनकी इच्छा पर निर्भर करता था, लेकिन अब लगभग सभी देशों में इस प्रकार की जमा को अनिवार्य रूप से रखने के कानून बना दिए हैं। नेक्स्ट है अंतिम ऋणदाता। देश के अन्य बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। मीन्स जब किसी व्यापारिक बैंक को कहीं से भी ऋण प्राप्त नहीं होता है तब केंद्रीय बैंक से ऋण की मांग करता है वह बैंक, और केंद्रीय बैंक उचित प्रतिभूतियों के आधार पर उस बैंक को ऋण प्रदान करता है। तो इस प्रकार से केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में संकट काल में व्यापारिक बैंकों की सहायता करता है। देश के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षक, केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय कोष के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। देश की मुद्रा इकाई के भारी मूल्य को स्थिर रखना केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। इसको सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्राओं के कोष संचित रखता है। इनके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास तथा विनिमय दर की स्थिरता के लिए भी विदेशी कोषों को उचित मात्रा में बनाए रखता है। समाशोधन गृह का कार्य, केंद्रीय बैंक समाशोधन गृह का कार्य भी करता है। इसका अर्थ है कि केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों का हिसाब किताब भी रखता है। हर एक बैंक का केंद्रीय बैंक के पास खाता होता है, मीन्स इन बैंकों के पास एक दूसरे के चेक आते हैं, उनका भुगतान केंद्रीय बैंक के द्वारा
होता है। साख मुद्रा का नियंत्रण। केंद्रीय बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है व्यापारिक बैंकों की साख संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करना। साख नियंत्रण से आशय साख मुद्रा की मात्रा में देश की मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुसार कमी या वृद्धि करने से है। साख मुद्रा का आवश्यकता से अधिक प्रसार होने पर मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कम होने पर मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यही कारण है कि केंद्रीय बैंक साख मुद्रा को निश्चित सीमाओं के अंदर रखने का प्रयास करता है। आंकड़े इकट्ठे करना। केंद्रीय बैंक आर्थिक सूचनाओं एवं आंकड़ों को इकट्ठा करता है और उन्हें समय समय पर प्रकाशित भी करता है। केंद्रीय बैंक देश में बैंकिंग मुद्रा तथा विदेशी विनिमय संबंधी जो आंकड़े प्रकाशित करता है उनसे देश की आर्थिक प्रगति की गति का ज्ञान होता है। तो देश में आर्थिक योजनाओं को सफल बनाने के लिए ये आंकड़े और भी आवश्यक होते हैं। इसके अलावा भी केंद्रीय बैंक के द्वारा कई अन्य कार्य किए जाते हैं, जैसे कई देशों के केंद्रीय बैंक जैसे भारत का ही रिजर्व बैंक कृषि के विकास के लिए साख सुविधाओं की व्यवस्था भी करता है, और केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक तथा अन्य सम्मेलनों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, और केंद्रीय बैंक मुद्रा तथा बिल बाजार संगठित करने का कार्य भी करता है। साथ ही केंद्रीय बैंक फटे पुराने नोटों को वापस लेकर उनके स्थान पर नए नोट भी प्रदान करता है। तो ये थे केंद्रीय बैंक के कार्य। अब है केंद्रीय बैंक के द्वारा साख नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि साख नियंत्रण के उद्देश्य क्या है, जिसे आंतरिक कीमतों में स्थिरता। साख नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य आंतरिक कीमतों में स्थिरता लाना है, क्योंकि आंतरिक कीमतों में स्थिरता अस्थिरता होने के कारण समाज के विभिन्न लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता। केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण की नीति का उद्देश्य विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता स्थापित करना भी होता है, क्योंकि विदेशी विनिमय दरों में अस्थिरता होने के कारण विदेशी व्यापार पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। रोजगार तथा उत्पादन के उच्च स्तर को प्राप्त करना और व्यापार चक्रों पर नियंत्रण करना। साथ ही वर्तमान समय में केंद्रीय बैंक की नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास की गति को तेज करना भी है। तो आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन के बिना संभव नहीं हो सकता, तो किसी देश में आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए सरकार को काफ़ी धन खर्च करना पड़ता है, और ये धन साख नियंत्रण करके प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये थे साख नियंत्रण के उद्देश्य। अब है साख नियंत्रण की विधियाँ। केंद्रीय बैंक के द्वारा साख नियंत्रण करने के लिए दो प्रकार की विधियाँ अपनाई जाती है, मात्रात्मक और गुणात्मक साख नियंत्रण। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं मात्रात्मक साख नियंत्रण की विधियाँ। इसमें चार विधियों को शामिल किया जाता है, बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद निधि अनुपात में परिवर्तन और तरल कोषानुपात में परिवर्तन। अब देखते हैं कि बैंक दर क्या होती है। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों की प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों को भुनाने के लिए या स्वीकृत प्रतिभूतियों पर ऋण देने के लिए तैयार रहता है। अब बैंक दर और ब्याज दर क्या होती है। बैंक दर तथा ब्याज की बाजार की ब्याज दर की में अंतर यह है कि ब्याज दर वह दर है जिस पर बैंक अपने ग्राहकों को रुपया उधार देते हैं, और बैंक दर क्या है, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों की प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों को भुनाने के लिए या फिर स्वीकृत प्रतिभूतियों पर ऋण देने के लिए तैयार रहता है। तो बैंक दर के द्वारा साख पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है। यदि किसी देश में साख का संकुचन करना है तो केंद्रीय बैंक बैंक दर को बढ़ा देता है, और यदि साख का विस्तार करना है तो केंद्रीय बैंक बैंक दर को क्या कर देता है, घटा देता है। और बैंक दर के घटने से क्या होता है, व्यापारिक बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक का ऋण सस्ता हो जाता है, जिससे ब्याज की दर भी कम हो जाती है और व्यापारी और निवेशकर्ता बैंकों से अधिक ऋण लेते हैं। नेक्स्ट है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार क्रियाएं नीति वह नीति है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीद
या फिर बेचकर साख का विस्तार और संकुचन करते हैं। अगर केंद्रीय बैंक को साख का संकुचन करना है तो खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचना आरंभ कर देता है और जनता का दूसरे बैंकों की अपेक्षा केंद्रीय बैंक पर अधिक विश्वास होता है, तो वो बैंकों से रुपया निकलवाकर या फिर बचत करके केंद्रीय बैंक के द्वारा बेचे जाने वाली प्रतिभूतियों को खरीदने लगते हैं। यदि केंद्रीय बैंक को साख का विस्तार करना है तो वह बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदना आरंभ कर देता है। इससे अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है और लोग बैंकों में अधिक रुपया जमा कराने लगते हैं, जिससे इनके साख की क्षमता बढ़ जाती है और वे अधिक साख का निर्माण करने लगते हैं। नेक्स्ट, नगद निधि अनुपात में परिवर्तन। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के फेडरल रिजर्व सिस्टम के द्वारा 1933 में किया गया था और प्रत्येक देश के व्यापारिक बैंकों अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत कानूनी रूप से किसके पास जमा करवाना होता है, केंद्रीय बैंक के पास नगद कोष के रूप में जमा कराना पड़ता है। तो इस नगद कोष अनुपात में परिवर्तन करके केंद्रीय बैंक साख का संकुचन और साख का विस्तार करता है। यदि केंद्रीय बैंक को साख का संकुचन करना है तो वह इस सुरक्षित निधि के रूप में रखे जाने वाले कोष के अनुपात को बढ़ा देता है, मीन्स नगद कोष अनुपात की मात्रा में वृद्धि कर दी जाती है, जिससे बैंकों के नगद कोषों में कमी हो जाती है और इसके कारण उनकी साख निर्माण करने की शक्ति भी कम हो जाती है। यदि केंद्रीय बैंक को साख का विस्तार करना है तो वो क्या करेगा, नगद कोष अनुपात में कमी कर देगा। नगद कोष अनुपात में कमी कर देने से बैंकों को के नगद कोष बढ़ जाएंगे और उनकी साख निर्माण की क्षमता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट, तरल कोषानुपात में परिवर्तन। तरल कोषानुपात में परिवर्तन की नीति वह नीति है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक साख का संकुचन और विस्तार करता है। यदि केंद्रीय बैंक को साख का संकुचन करना है तो वह तरल कोषों के अनुपात में वृद्धि कर देता है, जिसके कारण बैंकों को अपनी जमाओं का अधिक भाग तरल रूप में सुरक्षित रखना होता है, जिससे उनकी साख निर्माण की क्षमता कम हो जाती है। यदि केंद्रीय बैंक साख का विस्तार करना चाहता है तो वह तरल कोषानुपात में क्या कर देता है, कमी कर देता है, जिसके कारण बैंकों को अपनी जमाओं का कम प्रतिशत तरल रूप में रखना पड़ता है और उनकी साख निर्माण की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये थी मात्रात्मक विधियाँ। अब है गुणात्मक साख नियंत्रण की विधियाँ, जैसे ऋणों की उपभोक्ता साख पर ऋणों की सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन। फर्स्ट है उपभोक्ता साख पर नियंत्रण। इस उपाय का उपयोग सबसे पहले अमेरिका में किया गया था। इसके अंतर्गत टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं को दी जाने वाली साख का नियंत्रण किया जाता है। कई देशों में टिकाऊ वस्तुएं उपभोक्ता को उधार या फिर किराया खरीद प्रणाली के आधार पर बेची जाती हैं और इनका भुगतान किश्तों में किया जाता है। तो तेजी के दिनों में उपभोक्ता साख का संकुचन किया जाता है और मंदी में इसका विस्तार किया जाता है। ऋणों की सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन। प्रत्येक बैंक अपने ग्राहकों को उपयुक्त जमानत के आधार पर ऋण देता है, तो वे जमानत के रूप में रखे गए माल की वर्तमान कीमत से कुछ कम की रकम का ऋण देते हैं। जितनी कम रकम का ऋण देते हैं उसे क्या कहते हैं, सीमांत आवश्यकता कहते हैं। मीन्स बैंक द्वारा किसी वस्तु की जमानत पर दिए गए ऋण तथा जमानत के वर्तमान मूल्य का अंतर ही क्या है, सीमांत आवश्यकता है। तो यदि केंद्रीय बैंक साख का संकुचन करना चाहता है तो वह सीमांत आवश्यकता को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, बैंक उस वस्तु की जमानत पर पहले की तुलना में कम मात्रा में ऋण देता है। यदि केंद्रीय बैंक को साख का विस्तार करना है तो वह सीमांत आवश्यकता को कम कर देता है, जिससे सीमांत आवश्यकताओं में कमी होने के कारण उस वस्तु के लिए पहले से अधिक साख दी जाने लगेगी। नेक्स्ट है साख की राशनिंग। किसी देश का केंद्रीय बैंक की अंतिम ऋणदाता होता है, जैसा कि मैंने अभी पहले केंद्रीय बैंक के कार्यों में बताया है। तो इसीलिए साख पर नियंत्रण करने के लिए साख की राशनिंग भी केंद्रीय बैंक के द्वारा की जा सकती है। केंद्रीय बैंक साख की राशनिंग चार प्रकार से करता है। किसी विशेष बैंक को रुपया उधार देने से इनकार कर सकता है। केंद्रीय बैंक विभिन्न बैंकों को दिए जाने वाले ऋण में कमी कर सकता है। केंद्रीय बैंक विभिन्न बैंकों को दी जाने वाली साख का कोटा निश्चित कर सकता है और केंद्रीय बैंक उद्योगों और व्यवसायों को दी जाने वाली साख की सीमा निश्चित कर सकता है। तो इस प्रकार से राशनिंग के द्वारा साख का नियंत्रण
किया जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है नैतिक प्रभाव। कभी कभी केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों पर नैतिक प्रभाव डालकर उन्हें साख नियंत्रण के लिए अपनाई गई नीति के अनुसार काम करने के लिए सहमत कर लेता है और केंद्रीय बैंकों का लगभग सभी बैंकों पर प्रभाव होता है, इसीलिए वे केंद्रीय बैंकों की सलाह अधिकतर मान लेते हैं। यदि केंद्रीय बैंक चाहता है कि सट्टे के लिए दूसरे बैंक ऋण उधार न दे तो वह उन्हें ऐसा करने की सलाह दे सकता है। इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं होता क्योंकि नैतिक प्रभाव जैसी नीति की सफलता तीन बातों पर निर्भर करती है। केंद्रीय बैंक का मुद्रा बाजार पर पूरा अधिकार होना चाहिए, उसे सलाह देने के संबंध में पर्याप्त अधिकार होना चाहिए और केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के बीच सहयोग और सद्भावना होनी चाहिए। प्रचार। साख नियंत्रण के लिए इस नीति का भी काफ़ी प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय बैंक बड़े पैमाने पर अपनी साख नीति का प्रचार करता है जिससे कि जनता और दूसरे बैंक साख के नियंत्रण के तरीकों को अपनाते हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई। केंद्रीय बैंक को कभी कभी मजबूर होकर दूसरे बैंकों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई करनी पड़ती है और इस नीति के अंतर्गत केंद्रीय बैंक उन बैंकों को ऋण नहीं देता जो उसकी नीति के अनुसार नहीं चलते। थैंक यू।